लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी नई रिक्रूटमेंट से संबंधित कोई नोटिस जारी हुआ है या जो वर्तमान में भर्तियां हैं उनके क्या अपडेट है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला काफ़ी सुर्खियों में रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम आपको बताना चाहेंगे इस परीक्षा में जो संलिप्त 116 आरोपी थे वो अब जो 3 जुलाई 2022 को परीक्षा होने जा रही है उसमें नहीं बैठ पाएंगे, उनका कैंडिडेचर से यहाँ पे कैंसिल करने की बात कही गई है। और यहाँ पे देखिए कहा गया है कि सेक्शन 10 के तहत यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में अभी तक 170 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें इसकी जांच सीबीआई को दी गई थी लेकिन अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है, लेकिन जो एसआईटी गठित की गई है वो नियमित रूप से पुलिस पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। और जो आपकी परीक्षा 3 जुलाई को होने जा रही है काफ़ी ही स्ट्रिक्ट तरीके से परीक्षा इस बार हिमाचल प्रदेश में होगी, क्योंकि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की किरकिरी यहाँ पर सरकार और पुलिस विभाग की हुई है। तो अब आने वाले समय में आप अपनी तैयारी को और भी तेज़ कर दीजिएगा, किसी भी इस तरह की इल्यूजन में मत रहिएगा। 4 दिन के भीतर जुटाए 530 पदों की जानकारी। देखिए पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे इसमें की चयन नहीं हो पा रहा है, सब जबकि सारी प्रक्रिया बिल्कुल स्मूथ चल रही थी, लेकिन देखिए 556 की वजह से यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। तो अब देखिए इसको सुलझा भी ले लिया दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अभी कहा जा रहा है कि जो 530 पद 556 को आई थिंक देने हैं तो उसका क्या होगा। तो इसके ऊपर देखिए अब 4 दिन और इंतजार कीजिएगा, क्योंकि ये फाइल आपको ज्ञात होगा कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा पुनः सचिवालय में भेजी गई थी। अब वहां से फिर से इसके लिए जो जितनी भी त्रुटियां हैं उनको दूर करके जल्दी ही आएगा, और उम्मीद जताई जा रही है कि पोस्ट कोड 817 का जो मामला है शीघ्र ही ये सुलझ जाए। एक और बड़ी खबर आई है जो कि एचएस की परीक्षा से संबंधित है। देखिए इस वर्ष एचएस की जो एडवर्टीजमेंट है काफ़ी लेट हुई थी और आखिरकार पब्लिश हो चुकी है। यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे इस बार एसटीएम के पद है, बीडीओस के पद है और तहसीलदार के इत्यादि पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो अभी देखिए आज जो एक खबर लगी है इस खबर में कहा गया है कि जो वर्ष 2023 में, देखिए अभी तो हमारा 21-22 का आई थिंक एग्जामिनेशन होगा, जो अगला एग्जामिनेशन होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग करने के लिए कमीशन यहाँ पे कमेटी गठित की गई है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए आज का एक ऑफिसर यदि हम बात करें हम तो इस निर्णय का काफ़ी स्वागत करते हैं, क्योंकि एक आज का जो ऑफिसर है उसकी देखिए कितनी सारी गतिविधियाँ सूचना प्रौद्योगिकी के युग से आगे गुजरती है और ऐसी बहुत सी खामियाँ रह जाती है एक प्रशासक के पास सूचना प्रौद्योगिकी आईटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान नहीं है। यदि इस तरह का ज्ञान हो तो लोगों को और भी बेहतरीन सुविधाएं दी जा सकती है। तो आने वाले समय में एक अच्छा निर्णय है और यहाँ पे हमारी टीम एक निवेदन करती है जो भी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इस तरह की हायर कमेटीज में है जो इसके लिए नियम बनाएंगे, थोड़ा सा हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए भी इसमें प्रावधान होना चाहिए। जैसे एप्टीट्यूड से बहुत से बच्चे बाहर हो जाते हैं, थोड़ा सा उसका स्तर डिफिकल्ट कर दिया जाए तो पहले पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, दूसरे पेपर में वो बाहर हो जाते हैं। तो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी कुछ इस तरह का प्रावधान वहां पे होना चाहिए। और अब आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं। यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश में जो पटवारी की भर्ती है उसके ऊपर भी देखिए काफ़ी लंबे समय से हमारी टीम अपनी निगाहें लगा के रखी है कब आखिरकार इसमें क्या अपडेट आएगा। तो अभी देखिए बहुत से पटवारी यहाँ पे रिटायरमेंट पे है होने जा रहे हैं, और उसके बाद आपको बता दें कि जो पटवारी की भर्ती हुई थी उसमें भी बहुत से बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों की सिलेक्शन दाएँ बाएँ किसी न किसी और जगह पर भी हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए आने वाले समय में आपको पटवारी के 200 से 300 पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। तो बस आपको नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईलाइ स्टडी टीम की जीआईटी की किताब का तृतीया 3rd एडिशन लॉन्च कर दिया गया, बहुत ही बेहतरीन गजब की इंफॉर्मेशन आपको इस किताब में मिलेगी। यह किताब आपकी जीआईटी कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर, जीए अकाउंट्स के लिए उपयोगी साबित होगी। किताब की रूपरेखा आपको पहले संपूर्ण इसमें अध्ययन सामग्री मिलेगी, चैप्टर वाइज मिलेगी, चैप्टर होगा चैप्टर का पे आपको थ्योरी मिलेगी, उसके बाद उसी चैप्टर की समरी है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, एब्रीवेशंस है, एमसीक्यू है, और अब तो ऐसे एमसीक्यू भी यहाँ पे रिपीट कर लिए यहाँ पे हमारे टीम के द्वारा डाले गया जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद आपको 31 सॉल्वर्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ये बहुत ही गजब की अध्ययन सामग्री। देखिए आप पहले पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, फिर ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, उसके बाद आप सामान्य ज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इस किताब को फुली अपडेटेड वर्जन है जिसमें पोस्ट कोड 939 का पेपर भी अपडेट कर दिया गया है। इन किताबों के साथ में
हजारों विद्यार्थियों ने अपना भविष्य संवारा है, तो आप भी इलास्टडी टीम की इन किताबों को अप्रोच कर सकते हैं अपने नज़दीकी शॉपकीपर या फिर elastudy.co.in वेबसाइट के माध्यम से इस किताब को आप मंगवा सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन और हिमाचल प्रदेश की नंबर वन किताब है। यदि आप कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की हिंदी में भी किताब अवेलेबल है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे सेक्टर के अभ्यर्थियों के लिए भी हमारी टीम एक बहुत ही बेहतरीन किताब तैयार कर रही है, कुछ ही दिनों में ये भी लॉन्च होने वाली है। इसके अलावा और भी बहुपयोगी किताबों के लिए विजिट कीजिए elastudy.co.in वेबसाइट को। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग elastudy यूट्यूब चैनल।